पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली, जो कभी अपने करियर में ऊंचाइयों को चूमते थे, आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज रहे हसन अब पाकिस्तान की टीम में तीनों फॉर्मेट से बाहर हो चुके हैं। वे फिलहाल क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और राष्ट्रीय टीम में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ अच्छा घटता हुआ नहीं दिख रहा। हसन अली को एक क्लब मैच के दौरान वहां मौजूद दर्शकों ने इतना ट्रोल कर दिया कि वो गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए ही दौड़ पड़े। इस घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हसन एक क्लब मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, जहां पर दर्शकों ने उन पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे बचने के लिए वो मैदान में बीच में जाकर फील्डिंग करने लगे। हालांकि दर्शकों की टिप्पणी वहां भी खत्म नहीं हुई, जिससे तंग आकर हसन अली दर्शकों को मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा करते देख आयोजकों ने तुरंत दौड़कर हसन को पकड़ा और ऐसा करने से उन्हें रोका। हालांकि किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अब वो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। इसके बाद हसन अली की जमकर किरकिरी हो रही है। दर्शकों ने कैसे उड़ाई की? वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दर्शक कैसे उन्हें ये कहकर चिढ़ा रहे हैं कि वे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। साथ ही में कुछ दर्शक उन्हें 2021 में विश्व कप मैच छोड़े गए कैच को याद दिलाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे तंग आकर हसन अली अपना आपा खो बैठे और दर्शकों की तरफ दौड़ पड़े। T20 वर्ल्ड कप से पहले हुए पाकिस्तान टीम से बाहर। आपको बता दें, हसन अली 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से बाहर हो चुके थे। हसन अली ने अपने आखिरी चार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 4 विकेट लिए। वो आखिरी बार एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। हसन अली ने पाकिस्तान के लिए अभी तक 21 टेस्ट में 77 विकेट लिए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम 91 और T20 में 60 विकेट हैं। हसन अली 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा थे। 2017 के बाद से ही चोट से जूझते रहे हसन अली, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा। खैर, टीम का हिस्सा ना होना एक अलग बात है और फैंस के ऊपर गुस्सा होना एक अलग। आपको क्या लगता है, उनका गुस्सा जायज है या नाजायज? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर जरूर करें।